दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 9th ऑफ दिसंबर 2023 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स जो फ्राइडे को क्लोज दिया है वीकली क्लोज एट 103.98 पे, इसका जो सपोर्ट लेवल था, दैट मींस वीकली चार्ट का जो सपोर्ट लेवल था आपका, दैट इज टिपिकल इन सेंस, ये जो आपका जुलाई अक्टूबर का जो एडवांसमेंट था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट में कैंडल क्या बनाया लास्ट वीक में, इट्स ए इनवर्ट एंड करंट वीक का एक बुलिश कैंडल। सो इस कॉम्बिनेशन, ये जो थ्री कैंडल कॉम्बिनेशन हुआ है, इट्स ए मॉर्निंग स्टार। Morningstar, आप बोलोगे अरे सर ये तो हाफ वे पे बना है। यस, हाफ वे पे बना है, बट एट टिपिकल जो सपोर्ट फिर रिट्रेसमेंट्स, देन प्राइस एक्शन वाइज, देन आरएसआई वाइज, आरएसआई इट टुक सपोर्ट नियर 40 एंड ट्राइड टू मूव हायर। सो यहाँ पे हल्का सा बुलिशनेस हम देख रहे हैं एज फार एज द डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट। मंथली आरएसआई जो है वो है आपका करेंटली 53.19। सो मंथली पर्सपेक्टिव पे दोनों साइड पे, यानी 40 में भी आ सकते हैं, 60 में भी जा सकते हैं, दोनों साइड का प्रोबेबिलिटीज है। सो यहाँ पे मंथली पर्सपेक्टिव में वॉलेटिलिटी वी कैन एक्सपेक्ट, एंड डेली का जो प्राइस एक्शन है इसका एक टिपिकलिटी है। आप देखो रेंज शिफ्ट ऑन डेली परस्पेक्टिव, व्हाट इज रेंज शिफ्ट, बिलो 40 आरएसआई आया, अबव 40 आरएसआई गया, देन 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इट्स ए रेंज शिफ्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, कौन सा, 6th दिसंबर, 7th दिसंबर एंड 8th दिसंबर। ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन का एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। अपवर्ड बायस में हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, दैट मींस 104.80 से 105.00 लेवल पे फर्स्ट रेजिस्टेंस इट फेस कर सकते हैं। वहां पे जाने के बाद हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे के तरफ आते हैं, साइडवाइज कंसोलिडेशन करते हैं, या आपका ऊपर के तरफ ब्रेकआउट कर लेते हैं। सो ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जब ये 105 के तरफ जा के क्या कर रहा है, उस टाइम पे हम देखेंगे क्या वहां पे प्रोबेबिलिटीज और द सिनेरियोस बन रहे हैं। नाउ कमिंग टू डॉलर रुपी, नथिंग न्यू। सो साइडवाइज कंसोलिडेशन, रेदर ये मूवमेंट और भी ज्यादा कंसोलिडेट कर गया 83.30 एंड 83.40 के बीच। सो हमें अभी सिर्फ इंतजार करना है, नीचे की तरफ काफी डिमांड है एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस बाय द इनविजिबल हैंड्स। सो यहाँ पे अभी कुछ एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, वी वांट टू गो न्यूट्रल। न्यूट्रल जाने से क्या होगा, जब कुछ समझ में नहीं आता है कि ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ आएगा वगैरह वगैरह, तो साइडवेज बैठ जाना ही अच्छा, न्यूट्रल व्यू के साथ जाना। न्यूट्रल व्यू में रखा होगा तो आप, यू आर नॉट बायस्ड, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एंड जैसे जैसे प्राइस एक्शन बिहेव करेगा लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए अकॉर्डिंगली हम देख सकते। जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर का वीकली जो क्लोज है वो है आपका 1.2547। इसका जो लोकेशन है ना, सेम डिटो एज योर डॉलर इंडेक्स, जस्ट उल्टा। ये जो आपका जुलाई अक्टूबर का जो डिक्लाइन है, इस डिक्लाइन का 61.8% में क्या फैंटास्टिक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, पहला फिव रिट्रेसमेंट्स का 61.8%, देन प्राइस वाइज एक रेजिस्टेंस जोन, देन आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा नेगेटिव सिनेरियो ऑलरेडी बन चुका है, एटलीस्ट फॉर सम
टाइम। मंथली का देखेंगे, मंथली आरएसआई एट 49.86, तो यहाँ पे दोनों साइड में जाने का पॉसिबिलिटी है। अभी दैट विल डिसाइड कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दैट विल डिसाइड बाय वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट। अभी डेली चार्ट में आप अगर देखोगे, हमारा प्रीवियस वीक में एक इंपॉर्टेंट कैंडल था 1 दिसंबर का लो, उस लो के नीचे हमारा एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सेलिंग पहला आपका इस टारगेट, कौन सा टारगेट था, 1.2485, ऑल्सो द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। और ये दोनों लेवल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं इन सच ए केस, ये लेवल कौन सा लेवल, 1.2380 से 1.2420 के बीच में आने का हायर पॉसिबिलिटी है। अभी अब देखोगे ये वाला चीज, ये क्या है, रेंज शिफ्ट। डेली आपका डॉलर इंडेक्स में भी रेंज शिफ्ट था, पॉजिटिव रेंज शिफ्ट, यहाँ पे नेगेटिव रेंज शिफ्ट। यानी RSI पहले अबोव 60 था, बिलो 60 में आके 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने के लिए प्रोबेबिलिटी है। सो आने वाले दिनों में जीबीपी डॉलर में थोड़ा सा नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि मंडे मॉर्निंग में जाके सेलिंग टोन दे, नो, आपका जो भी स्ट्रेटेजी होगा सेलिंग के लिए, उस स्ट्रेटेजी में अगर फिर बैठते हैं तो आप खेल सकते हो। जीबीपी INR 61 104.65 लेवल पे जाके वीकली क्लोज दिया है। यहाँ पे जो आपका जुलाई अक्टूबर का डिक्लाइन था उसका 61% पे नहीं आया, वहां पे आया 78.2% में जाके रिट्रेस किया, रेस्पेक्ट किया, एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिया। आरएसआई आल्सो एग्जैक्टली 60 से रेजिस्टेंस नहीं लिया, रेदर इट 62 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। मंथली में एक नेगेटिव बायस प्रतीत हो रहा है। ये देखिए मंथली आरएसआई इज टेकिंग ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस। डेली पे अगर हम आएंगे तो यहां पर भी आप क्या देखोगे, ये 1 दिसंबर का एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव कैंडल था, उसके लो के नीचे एक सेलिंग टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड वो आ चुका है, फिर उसके बाद यहां पे एक टारगेट है 103.95 का, देन ये टारगेट है, कौन सा टारगेट है, 103 से 103.30। तो पहला टारगेट मैट हो चुका है, डेली आरएसआई रेंज शिफ्ट दिख रहे हैं। सो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें यूरो डॉलर का जो वीकली क्लोजिंग है वो है आपका 101.0758, सेम एनालिसिस जुलाई अक्टूबर डिक्लाइन का 61.8% करके नीचे आ रहा है, वीकली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 6, मंथली आरएसआई एट 48.30, दोनों तरफ मूवमेंट करने का दम रहा। सो दम का बात है तो कैसे डिसाइड करेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो है आपका वीकली एंड डेली चार्ट विल डिसाइड ये किधर जाएगा। अभी वीकली एंड डेली में थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इमीडिएटली एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, देन ओनली देन यूरो डॉलर पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स योर यूरो आईएन, यूरो आईएनआर करंट वीकली जो क्लोज दिया है 89.79, सेम एनालिसिस जुलाई अक्टूबर डिक्लाइन का 78.2% रिट्रेसमेंट में नेगेटिव कैंडल बना के, आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस नहीं ली, रेदर ये 64 के आसपास रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है। मंथली आरएसआई रेजिस्टेंस 60 में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सो बिगर पर्सपेक्टिव में ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन हो चुका है, मींस बिगर पर्सपेक्टिव बोले तो मंथली पर्सपेक्टिव में एक कंसोलिडेशन बन चुका है, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको यूरो आईएनआर करेंसी पेयर को देखना है। तो जब तक ये मंथली का जो एक रेंज है उसके आउट नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म में हम कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ पे दोनों साइड में बाजा बजा सकते। That being the case, daily chart में क्या हो रहा है, daily chart में एक M pattern है, M pattern का target हमारा है 89, जो अभी तक पूरा नहीं आया, आधा target आया है, अभी हमें selling opportunities ढूंढ के trade कर सकते। dollar yen में जो ये weekly close दिया है 144.96, ये जो during the week low बनाया हुआ है वो है 141.60, ये 141.60 थर्सडे के दिन मैंने मेरा किसी दोस्त को ट्रेड कॉल दिया था, एट दैट टाइम 146.02 में प्राइस था,
उस टाइम में उनको मैंने ट्रेड कॉल दिया था 146.02, सेल एट मार्केट 100 पिप्स का, एक बीगी का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 144.50, दैट मींस द देर बीगी का, देन 141.75। मेरा दोस्त ये वीडियो देखेगा तो ही विल डेफिनेटली एग्री विद द कॉल दैट आई हैव गिवन टू हिम। एंड लो कहां पे मारा है, 140.60, मेरा टारगेट था 140.7, सॉरी 141.60 का लो मारा है, मैंने टारगेट था 141.7। My friend, if you see the video, you can just means comment on that particular trade. ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि rate cut का means negative rate scenario से means rate hike का possibility बात चल रही है BOJ में, जिसके कारण yen में काफी strength देखा गया। अभी what next? डेली चार्ट में हम, अच्छा पहले मंथली चार्ट में ये RSI 60.86 है, तो हमें देखना है क्या ये 60 रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं या नहीं, जो मंथली पर्सपेक्टिव जो उसका बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लेगा। वीकली में बिलो 60 है, 40-60 के बीच में, तो यहाँ पे 40 के लिए काफी रूम है, लेकिन डेली एक बाउंस बैक किया यहाँ के बाद एक आपका इनसाइड बार कैंडल बना है, ये इनसाइड बार का कैंडल 200 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट में आके बैठा हुआ है, सो यहाँ पे एक पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर येन पे, एक पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलबैक के बाद हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर आने वाले दिनों में दोबारा 146.50 का अगर लेवल मिलता है, वहाँ पे आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो स्ट्रेटेजी हो सकता है वो आप ढूंढ सकते हैं। ऑल्सो इंट्राडे में भी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का कुछ देख सकते हो, जैसे मिलेगा तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। विद स्ट्रेट स्टॉप लॉसेस येन आईएनआर जो वीकली क्लोज देयर 0.5750, ये आपका हाई मारा था 58.37। यहाँ पे मंथली पे एक 40 पे तो सपोर्ट नहीं ले रहा है, लेकिन 35 के आसपास सपोर्ट लेके 36 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, डबल बटन सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यानी येन आईएनआर पे लॉन्ग टर्म पे एक बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट बीइंग द केस बाय डिप्स ऑन मींस स्ट्रेटजिक लेवल्स कैन बी कंसीडर्ड। डॉलर कैन बी 1.3576 में वीकली क्लोज दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखोगे ये जो वीकली 6 नवंबर का कैंडल उसके लो के नीचे एक सेलिंग बायस हम देख सकते थे और नहीं हुआ है। अभी वीकली आरएसआई जो है 50.57 बोथ मींस 40-60 के बीच में है, आरएसआई मंथली जो है एक रेंज शिफ्ट करके नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहा है, मंथली पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट में पहले एक सपोर्ट का बंदोबस्त हो सकता है, बट दैट इज योर वीकली में एक इन साइड बार कैंडल बनाया हुआ है। आने वाले दिनों में अगर 27 नवंबर का लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन द डाउनसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डेली पे, डेली पे आरएसआई बिलो 40 चला गया था 31 तक, उसके बाद अबव 40 में आ गया है। अभी हमें देखना है क्या ये आने वाले दिनों में 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, इन सच केस इट इज गोइंग टू बी ए रेंज शिफ्ट, या यहां पे सपोर्ट ना लेते हुए नीचे की तरफ आते हैं, क्या प्राइस एक्शंस होगा, इसके ऊपर ही हमारा डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। एट द मोमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मींस बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज होगा, आपका ट्रेड कॉल के हिसाब से आप दोनों साइड में प्ले अराउंड कर सकते हो। उसी डॉलर में ये देखो आपका जो वीकली क्लोज है 0.6572 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, उससे पहले 3 बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, that being the case, ये जो current negative candle है, उसके ऊपर अगर next week में close देते हैं एक green candle, so एक upward bias यहाँ पे resume हो सकता है, इस होने का higher probability है trading strategy के हिसाब से, and in that time RSI above 60 जाएगा तो और भी बल्ले बल्ले, but daily पे अगर हम देखोगे ये नजर आ रहा है range shift, यानी daily में थोड़ा सा negative, हल्का सा नेगेटिविटी छाया हुआ है, लेकिन ये जो 7 दिसंबर का लो है उसको तोड़ेगा तभी जाके एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव हम, अच्छा खासा मीन मॉडरेट डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मंडे ऑनवर्ड्स अगर फ्राइडे का हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक बुलिशनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स CNH, डॉलर CNH में
जो वीकली क्लोज दिया है 7.1 चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड बढ़ने के बाद भी फिर दोबारा बाउंस पे, अभी बाउंस पे कहां से कर रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन. पहला प्राइस सेक्शन यहां पे सपोर्ट लेवल, दूसरा प्राइस सेक्शन आरएसएल 40 के नजदीक का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. मंथली तो इन अराउंड 60 कर रहा है, सो दोनों तरफ के लिए क्लैरिटी चाहिए. ऊपर की तरफ आपका पीबीओसी का रेजिस्टेंस है, इंटरव्यूजंस देयर इंटरव्यूइंग इट. देखिए यहाँ पे डेली पर्सपेक्टिव में जो प्राइस एक्शंस बना रहे हैं फ्रॉम लोअर हाई, लोअर लो से हायर हाई, हायर लो बना रहे हैं, सो बाय दिस मे बी कंसीडर दोस गाइस हु वांट टू ट्रेड इट डॉलर सी. ब्रेंट क्रूड 76.62 में जाकर वीकली क्लोज दिया हुआ है, ये आरएसआई 40 के आप वहां पे जाके रुका हुआ है 39.33. मंथली रेंज शिफ्ट करके 3 मंथ का आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेगेटिव कैंडल्स बना रहे हैं फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे और भी नेगेटिविटी है. बट इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 71-72 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इसको अगर नीचे की तरफ जाना है तो इस लेवल को मंथली पर्सपेक्टिव में तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बाय मीन्स एवरी डिप में थोड़ा सा बायर्स विल ट्राई टू टेक. सो डेली में अभी लॉन्ग के लिए कोई इंडिकेशन है नहीं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं उसके बाद सोचेंगे. अभी आते हैं यूएस ट्रेड 4.229 आप देखोगे वीकली का कहां से ये सपोर्ट लिया हुआ है. आपका सपोर्ट है आपका जस्ट तो यहाँ पे जो सपोर्ट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे जस्ट डीप डाउन करके एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है. सो वीकली चार्ट इज कंसर्न, सो वीकली चार्ट का जो आपका ये बनाया हुआ है अभी ये डोजी कैंडल क्लियर हो चुका है. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अगर देखने का है तो हमें ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है, यानी हायर टाइम फ्रेम में भी देखना है लोअर टाइम. हायर टाइम फ्रेम जो मंथली टाइम फ्रेम है वहाँ पे आरएसआई कहाँ पे 61.10 आपका बुलिश लेवल का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे आके लगा है. इसको अगर फर्दर डिप डाउन करना है तो अबाउट 67 or 60 में आना पड़ेगा मंथली. डेली में क्या है बिलो 40 से अभी अबोव 40 जाने का प्रयास कर रहे हैं. सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंतजार करना है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है सपोर्ट लेवल में तो यहाँ पे प्राइस एक्शंस देखना है. प्राइस एक्शंस के बाद अगर हायर लेवल पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में खेल सकते हैं. यूएस टू ईयर ट्रेजरी का जो वीकली क्लोज है वो है 4.6. इस हफ्ते में एक बुलिशनेस दिखा गया है, बुलिशनेस भी वही सपोर्ट लेवल के वहाँ पे आके बना है. यहाँ पे अगर हम आप मेरा डेली एनालिसिस देखोगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग का पैटर्न है, ये जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता तो एक फॉरवर्ड मीन्स फर्दर डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये डेली चार्ट में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया, रेदर ऊपर की तरफ चला गया क्योंकि एनएफपी डेटा के बाद ही ये जो मोमेंटम था फ्राइडे का एनएफपी डेटा के बाद ये मोमेंटम देखा गया है. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न्स चार्ट के हिसाब से हमें कंसर्न्स मिल रहा है. क्या है आपका मंथली टू ईयर ट्रेजरी अबव 66 weekly taking support at 40 and trying to move higher or daily pe below 40 se above 40. So yahan pe ek bullishness ka momentum ban raha hai, ek buying opportunities ka possibility scenarios ban rahe hain. That means the case aur ek bar hum ye standard treasury dekhne ka prayas karenge, thoda sa different hai because here weekly chart is not taking support at 40, whereas 2 year pe ye 40 के नजदीक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. तो 2 ईयर में थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट लग रहा है. प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमें लॉन्ग का थोड़ा सीनारियोज होगा. लॉन्ग सीनारियोज में भी हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हमारा प्रोबेबल रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है. पहला रेजिस्टेंस ये लेवल पे हो सकता है 4.81 से 4.83 का, एंड दूसरा रेजिस्टेंस जो बन सकता है ये रेजिस्टेंस आपका 4.97 से 4.9850 का, दो रेजिस्टेंस लेवल्स है.
सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. व्हाट इन नटशेल, डॉलर इंडेक्स आपका डेली में रेंज शिफ्ट करके ऊपर, पॉजिटिव रेंज शिफ्ट करके ऊपर जाने का बायस दिखा रहे हैं. प्राइस आल्सो टेकिंग सपोर्ट एट क्रूशियल 61.8% रिप्लेसमेंट. RSI प्राइस एक्शन के हिसाब से उस लेवल से बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहे हैं. GBP डॉलर में भी सिमिलरली डेली में रेंज शिफ्ट, थोड़ा नेगेटिव बायस है. यूरो में काफी नेगेटिव हो चुका है एज फार एज द RSI इज कंसर्न. प्राइस एक्शन में यहाँ पे इमीडिएटली सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फर्दर डिप डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर येन पे ये जो डेली चार्ट बना है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के वहाँ पे एक सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन के साथ कैंडल जो दो दो हाई वेव कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा हमें हल्का सा बुलिशनेस देख सकते हैं. लेकिन ऊपर के लेवल पे मैं भी 146.50 पे अगर हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो देख सकते हैं. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक.